नमस्कार, आप देख रहे देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। पूरे प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल है और हर तरफ इस बात की चर्चा है कि आखिर पार्टी किन उम्मीदवारों को टिकट देने वाली है। ऐसे में फरीदाबाद NIT विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट बनी हुई है। ये अकेली ऐसी सीट है जो 20 सालों से BJP के लिए बंजर पड़ी है। परिसीमन के बाद 2009 में इस सीट अस्तित्व में आई थी, लेकिन ये सीट फरीदाबाद में पहले भी थी। लेकिन 2007 में विधानसभा का स्वरूप बदला और मेवला, महाराजपुर और फरीदाबाद का कुछ हिस्सा NIT में मिलाया गया। ये ऐसी सीट है जहां BJP लोकसभा चुनावों में तो अपना खाता खोल लेती है, लेकिन विधानसभा में जनता के दिल में घर नहीं कर पाती। मौजूदा समय में यहां कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा हैं और NIT विधानसभा के लोगों के तमाम तरह के समस्या मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इलाके के लोगों की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार NIT की जनता कुछ अलग मिजाज में है या क्या BJP इस सीट पर इस बार जीत कर अपना खाता खोल लेगी। NIT फरीदाबाद में कुल मतदाता की अगर बात करें तो यहाँ 3,90,068 वोटर्स हैं जो अपना विधायक चुनेंगे और कुल वोटर्स में इस बार पुरुष मतदाता 1,71,289 और 1,37,468 महिला वोटर्स हैं। NIT फरीदाबाद सीट पर 11 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं, यानी कि कुल 288 बूथों पर इस बार वोटिंग होगी। इस बार जीत के नज़रिए से NIT विधानसभा सीट बेहद अहम बनी हुई है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस के पाले में है और बाकी सीटों पर तो BJP के विधायक है ही, लेकिन इस सीट पर नहीं है। बात अगर 2009 के चुनावों की करें तो यहाँ से पंडित शिवचरण लाल शर्मा ने जीत हासिल की थी, जो निर्दलीय लड़े थे और विधायक बने थे। एक ऐसा चुनाव था जब निर्दलीय अधिक खड़े हुए थे और इस दौरान कांग्रेस के अग्गार चंद्र चौधरी दूसरे नंबर पर और नागेंद्र बड़ाना, जो कि निर्दलीय लड़े थे, तीसरे स्थान पर आए थे। उस समय चुनावी रेस में कांग्रेस से गुलशन बग्गा, BJP से महेंद्र बड़ाना और चौथे पांचवें नंबर पर आए। ऐसे में ये भी ऐसा समय था जब BJP NIT विधानसभा सीट पर पिछड़ गई थी। इसके बाद 2014 में चुनाव हुआ और यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल से नागेंद्र बड़ाना को टिकट मिली और उन्होंने चुनाव जीत लिया। इस समय शिवचरण दूसरे नंबर पर आए। इस समय AC चौधरी, चंद्र भाटिया, यशवी डागर कुछ ऐसे नाम थे जो चुनावी रेस में थे और BJP से यशवी डागर तीसरे नंबर पर आए थे। अब इस तरह ये भी ऐसा समय था जब एक बार फिर BJP को NIT की जनता से निराशा हाथ लगी थी। इंडियन नेशनल लोकदल BJP से आगे निकल गया था। हालांकि नागेंद्र बड़ाना लंबे समय तक इनेलो के साथ नहीं रहे थे और करीब 2018 में उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर BJP ज्वाइन कर ली थी। अब समय आगे बढ़ा और 2019 के विधानसभा चुनाव आए। 2019 में BJP ने अपना टिकट दिया नागेंद्र बड़ाना को और कांग्रेस से सामने आए नीरज शर्मा। इस समय फरीदाबाद NIT से कांग्रेस के नीरज शर्मा नागेंद्र बड़ाना से आगे निकल गए और 61,697 मतों के साथ जीत हासिल की। ऐसा पहली बार हुआ जब विधानसभा चुनावों में BJP कम से कम दूसरे नंबर पर तो आई और तीसरे स्थान पर आए BSP से हाजी करामत अली, जो इस बार भी विधानसभा चुनावों में विधायक पद की रेस में शामिल हैं। अब इन तीनों चुनावों की बात की और कौन हारा कौन जीता ये जाना। अब 2024 के चुनाव हैं और इस समय कई उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस बार फिर कांग्रेस से नीरज शर्मा जीतेंगे, कोई नागेंद्र बड़ाना को मजबूत कैंडिडेट बता रहा है, लेकिन आखिरी फैसला भाजपा की जिला इकाई पर निर्भर करता है। तमाम कैंडिडेट जो इस समय सामने आ रहे हैं वो डोर टू डोर जाकर लोगों से अपना जनसंपर्क बना रहे हैं, लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार अगर NIT की जनता उन पर मेहरबान हो तो वो जरूर वहाँ का विकास करेंगे। हालांकि 2024 में NIT से जिन उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें नागेंद्र बड़ाना, सतीश पागना और केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे देवेंद्र चौधरी का नाम मुख्य है। देवेंद्र चौधरी को BJP टिकट दे सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो BJP के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। हाल ही में देश रोजाना से अनौपचारिक बातचीत में नागेंद्र बड़ाना ने साफ किया है कि अगर उन्हें BJP टिकट देती है तो अच्छा है और अगर नहीं देती है तो निर्दलीय यानी वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने को भी तैयार है और लड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो BJP के लिए NIT में संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में BJP क्या करेगी? क्या किसी दूसरे चेहरे पर विचार करना उचित है या इन दोनों में से यानी नागेंद्र बड़ाना और देवेंद्र चौधरी में से कौन बेहतर चेहरा हो सकता है? आपका इस बारे में क्या विचार है और NIT विधानसभा के लिए कौन सा चेहरा BJP के लिए मजबूत कैंडिडेट हो सकता है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।